सलमान खान वैसे तो खूब लाइमलाइट में रहते हैं, कभी अपनी फिल्मों को लेकर तो कभी अपने फिल्मी और बचपन के किस्सों को लेकर सलमान छाए रहते हैं। ऐसे में सलमान का एक किस्सा खूब लाइमलाइट बटोर रहा है। जी हाँ, उनकी बचपन की हरकतों को याद करते हुए उनके घर वाले आज भी खिलखिला पड़ते हैं। दरअसल सलमान खान का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही सलमान काफी नटखट किस्म के बच्चे हुआ करते थे। जब सलमान खान छोटे थे और जब उन्हें तैरना नहीं आता था तो उनकी बड़ी मम्मी ने उनको एक रस्सी से बांध कर कुएं में फेंक दिया था। सलमान खान बचपन से ही बहुत शरारती थे, लेकिन जब उनके सामने स्विमिंग पूल की बात आती थी तो वो डर जाते थे, सहम जाते थे और फिर स्विमिंग के नाम से उनके हाथ पांव फूलने लगते थे। लेकिन जब उनकी बड़ी मम्मी ने उनके डर को भगाने के लिए कुएं में बांध के लटकाया तो धीरे धीरे सलमान का ये डर दूर भागता गया। ऐसे में धीरे धीरे सलमान खान पानी में स्विमिंग करना सीख गए। जब सलमान खान का पानी से पूरी तरीके से डर खुल गया तो वो खुद रोज कुएं में जाकर स्विमिंग किया करते थे। सलमान ने भी एक इंटरव्यू में अपने फिल्म के एक प्रमोशन इवेंट के दौरान बताया था कि कैसे उन्होंने स्विमिंग सीखी थी। उन्होंने कहा था, जब मैं 9 साल का था तब मैंने इंदौर के एक कुएं में तैरना सीखा था। मेरे कजिन्स ने मेरी बड़ी मम्मी के कहने पर मेरी कमर में रस्सी बांध कर मुझे कुएं में फेंक दिया था और कहा, अब अपने हाथ पैर हिलाओ और तुम तैरना सीख जाओगे। कुएं में एक कछुआ, एक छोटी मछली और एक बड़ी मछली और एक पानी का सांप था। मैं इतना डर गया था कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए तैरना सीख लिया। उसके बाद मैंने कई सर्टिफिकेट भी जीते। आपको बता दें कि इस इंसिडेंट के बाद सलमान खान शानदार स्विमर बन गए और अगर सलमान एक्टर नहीं होते तो वो एक स्विमर ही होते। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।